अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको आपकी ज़िंदगी में कामयाब करे। तो आइए आज की हम रेसिपी शुरू करते हैं। और आपसे बल्कि रेसिपी शुरू करने से पहले मैं ये भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, इसी तरह सपोर्ट करते रहें और कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और इंशाल्लाह ताला मैं इस तरह की और भी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज आपसे शेयर करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ टींडे गोश। बहुत मज़ेदार किस्म के डिफरेंट रेसिपी हैं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। बल्कि जो नहीं भी पसंद करते हैं टींडे, वो भी शौक से खाना शुरू कर देंगे जब आप इस तरीके से इंशाल्लाह बनाएंगे। ये जो रेसिपी है ना, ये मेरी अम्मी भी बनाती हैं और ये मेरी भाभी की रेसिपी है। और बहुत जब वो शादी करके आई हैं तो उन्होंने इस तरीके से जब वो टींडे गोश्त बनाए तो मुझे बड़ा मज़ा आया, और तब से मैं टींडे खाना भी शुरू हो गई थी। ये लॉन्ग टाइम, ये पहले की बात है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि मैंने मिट्टी की हांडी जो है, इसके अंदर मैंने गोश्त चढ़ा दिया है। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर गोश्त के अंदर मैंने डालना है टमाटर, प्याज, अदरक कुटी हुई, साबुत लहसुन और दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची। ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, इस तरीके से ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर डाल देनी है। बिस्मिल्लाह। देखिए, इसके अंदर सब कुछ मैंने डाल दिया है। दोबारा से बता दूं, प्याज डाला है, अदरक और लहसुन डाला है, टमाटर डाले हैं, बड़ी इलायची और दालचीनी डाली है, और साथ में अब इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्ट आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस दरमियाना सा, और इसको हल्की आँच पर हम पकने के लिए रख देंगे। इसके अंदर बाकी हल्दी और मिर्च जो है वो हम बाद में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम ढक देंगे और तकरीबन ये इंशाल्लाह ताला 10 से 15 मिनट में गोश्त जो है वो गल जाएगा। दूसरी तरफ मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है, कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर ये सब्ज़ इलायची जो है ये मैं डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 अदद आपने इसके अंदर इलायची डालनी है। इसको थोड़ा सा कड़का लेना है। इलायची थोड़ी सी हम लोगों ने इसमें ज़रा पका लेनी है। उसके बाद इसके अंदर मैंने टींडे जो हैं वो काट के और इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है, ये देख सकते हैं आप कटिंग। इसको हम लोग ऑयल में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैंने टिंडे ऐड कर दिए हैं। अब इसके अंदर मैं जीरा ऐड करूंगी। ये देखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर अब मैं हल्दी पाउडर ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि टिंडों का कलर है वो बहुत अच्छा सा आ जाए। इसको हम मिक्स करेंगे। हमने टिंडों को फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना, बस इतना ऑयल करना है जिसमें ये टिंडे जो हैं इसको हम कुक करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेंगे, अब हम इसको तकरीबन हल्की आँच पे ही, इसको हम लोग मीडियम आँच पे हम लोग इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और ये तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये थोड़ा सा गल जाएंगे। बाकी का जो हम गोश्त भुनेंगे तो उसके अंदर जब ऐड करेंगे तो ये बाकी जो है वो दम में गलेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फ्रेंड्स, तो तकरीबन हमारे जो टींडे हैं वो फ्राई हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। आँच मैंने हल्की कर दी थी, ये देखें। हमने इसको बहुत ज़्यादा वो फ्राई नहीं करना, बस इतना ही करना है कि ये हाफ कुक हो जाए। बाकी जो है वो दम में इंशाल्लाह ताला
वो ये गल जाएंगे। दूसरी तरफ हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी जो गोश है, बिस्मिल्लाह। अब इसमें थोड़ा सा पानी है, लेकिन इसके अंदर अब हम हल्दी और रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे। मैं रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्दी ऐड करूँगी। इसको हम अच्छे तरीके से हमें इसको भूनना है। इसके अंदर थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल भी ऐड करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो टिंडों के अंदर ऑयल है ये भी इसी के अंदर जाएगा। अब इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी फ्रेंड्स, तो गोश्त तकरीबन भुनने के लिए रेडी है, बल्कि ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है, ये देख सकते हैं आप जी फ्रेंड्स। तो ये देखिए गोश्त हमारा भून चुका है, ये देखिए ऑयल आ गया है। अब हमने जो टींडे फ्राई किए हुए हैं ये देख सकते हैं आप, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। देखिए टींडे इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, बिस्मिल्लाह। और तकरीबन हम इसको 2 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। जो टींडों में थोड़ा सा कच्चापन है वो इसी 2 मिनट में ये हो जाएगा इंशाल्लाह। इसको हमने ढक दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी 2 मिनट हो गए हैं, ये देखिए माशाल्लाह से बड़े मज़ेदार किस्म के टिंडे गोश्त रेडी हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। देखें अब इसके अंदर हरी मिर्च में ऐड करूँगी, हरा धनिया ऐड करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी फ्रेंड्स। तो अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।